राधा बाबा की तप्त स्थली गीता वाटिका में राधा अष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को दोपहर दधिकद्र महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दही, हल्दी, केसर और चंदन आदि से बने दधिकीच से श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। इससे पहले रास मंडली द्वारा रास रचाया गया। शनिवार को दिन भर गीता वाटिका भक्तिमय माहौल में डूबी रही। राधे राधे की गूंज पर श्रद्धालु झूमते रहे। प्रभात फेरी, सामूहिक पद गायन, सत्संग, रास लीला आदि कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर राधा रानी के चरणों में अपनी आस्था और श्रद्धा अर्पित की। इस दौरान वृंदावन से आई रास मंडली ने लीला प्रस्तुति की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गीता वाटिका परिसर में प्रभात फेरी भी निकाली गई। प्रभात फेरी में निभाई निताई चौतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का मधुमेह संकीर्तन वातावरण में आनंद भर रहा था। इस मौके पर हनुमान प्रसाद स्मारक समिति के माधव प्रसाद जालान, महामंत्री अरुणा डालमिया, अनुराग डालमिया, ओम प्रकाश शेखसरिया, गौतम डालमिया, उमेश कुमार सिंघानिया, दाऊलाल कोठरी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए हनुमान प्रसाद स्मारक समिति के सचिव उमेश कुमार सिंघानिया ने कहा, जो कीरत मैया तुम्हें मिल रही है और बधाई दे रही है। कीरत रानी दीजे मोहे बधाई, मैया कीरत रानी दीजे मोहे बधाई, और कीरत पूख श्रोमणि प्रगति कीरत सब जग छाई। I'm gonna make you mine.
सिंधानिया सचिव हूँ यहाँ का और करीब 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है, उनके भाई जी के बाबा के दर्शन मिले हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है, जो भी यहाँ आ रहे हैं उन सबका सौभाग्य है। ये राधाष्टमी महा महोत्सव पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री राधा बाबा के द्वारा वपन किया हुआ एक बहुत ही आध्यात्मिक उत्सव है। पूज्य श्री भाई जी कहा करते थे ये लीला में होने वाले उत्सव का शाखा चंद्र न्यास एक संकेत है। इसका अर्थ यह है कि वो जो यहाँ के उत्सव में सम्मिलित होते 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 एक दिन हम उस उत्सव के स्वरूप को भी जान सकें, इसलिए पूज्य भाई जी बाबा ने इस उत्सव को प्रारंभ किया। जैसा उन्होंने प्रारंभ किया था हम आज तक उसी परिपाटी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनकी आशीर्वाद भी मिल रहा है, सफलता भी मिल रही है। भगवान की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें बहुत दूर दूर से उनके भक्त लोग आते हैं, मैं पूरे भारत से इकट्ठे होकर आते हैं। साल में यह गीता वाटिका का प्रमुख और सबसे बड़ा उत्सव है। उत्सव का कार्यक्रम कल संपन्न हो गया, आज बधाई का और दधिकर्दम उत्सव, उसके बाद में हम पूज्य भाई जी की समाधि पे उनको प्रणाम करेंगे, उसके साथ इस उत्सव की संपन्नता हो जाएगी। कल पूज्य भाई जी का भावार्चन है, दशमी के दिन पूज्य भाई जी अपने धाम में गए थे, उस दशमी को हम स्मृति रूप में कल मनाएंगे, उत्सव की संपूर्णता संपन्न हो जाएगी।